माई डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल डिस्कस लेसन सिक्स, काइंड कबीर। काइंड कबीर मतलब दयालु कबीर। कबीर एक लड़का का नाम है जो बहुत काइंड है। काइंड का मतलब दयालु। दूसरों को तकलीफ में देके, दुख में, दर्द में देखकर जब हमारे मन में मदद करने की इच्छा होती है, उसे हम कहते हैं काइंड। तो कबीर जो है, बहुत कबीर एक लड़का है जो बहुत दयालु है, बहुत काइंड है। तो किस तरह कबीर काइंड है, तो हम लोग इस कहानी को पढ़कर पता करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वार्म अप। मेक अ स्माइली फेस फॉर द राइड यू एंजॉय द मोस्ट। तो यहाँ पर नीचे में तीन पिक्चर दिया गया है जिसमें आप बैठकर राइडिंग कर सकते हैं। तो इसमें से आपको जो सबसे अच्छा लगता है राइडिंग करने के लिए, तो उसका नीचे में जो बॉक्स दिया गया है उस पर आपको एक स्माइली फेस बनाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मुझे बम्पर कार चलाना अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया, बम्पर कार का नीचे में एक स्माइली बनाया। इसी प्रकार आप लोगों को घोड़े पर बैठकर राइडिंग करना अच्छा लगता है, तो इसमें इसको बना सकते हैं। या ये जो टॉय ट्रेन है, इस पर बैठ के आपको राइडिंग करना अच्छा लगता है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। या बम्पर कार को भी बना सकते हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगता है उस पर आप लोग स्माइली फेस आप बनाना है, जैसे मैंने आप लोगों को बना के दिखाया। नाउ लेट अस गो फॉर द रीडिंग। रीडिंग द कजिन्स कार्ल, आवा, कबीर एंड इरा गो टू द प्ले जोन एट द मॉल। तो ये जो है कजिन्स लोग हैं, कार्ल, आवा, कबीर और इरा, ये सब कजिन्स हैं। ये लोग एक दिन क्या करते हैं, प्ले जोन में जाते हैं खेलने के लिए। जो मॉल होता है, शॉपिंग मॉल होता है, जो शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा होता है, तो उसका बाहर में क्या होता है, एक बच्चों के लिए खेलने का जगह होता है ये सब, जैसे। तो उस खेलने का जो जगह होता है उसको हम लोग बोलता है प्ले जोन। तो ये जितने भी कजिन्स हैं, ये चार कजिन्स, कार्ल, आभा, कबीर और इरा, ये लोग प्ले जोन में एक दिन खेलने जाते हैं। तो इराज फादर गोपाल ड्राइव्स देम डाउन। तो उन लोगों को कौन पहुंचाता है, इरा का पिताजी गोपाल राय। जो इरा का पिताजी गोपाल राय उन लोगों को प्ले जोन तक ले जाता है कार में बिठाकर। कार्ल हैज़ द मनी फॉर देयर टिकट्स। तो उस प्ले जोन में अंदर जाने के लिए टिकट का ज़रूरत होता है, और टिकट खरीदने के लिए पैसा किसके पास में है, कार्ल के पास में है। तो कार्ल, इसका मतलब कार्ल सबके लिए टिकट खरीदेगा, और फिर उसके बाद वो प्ले जोन के अंदर जाएंगे और उन लोग वहाँ मस्ती करेंगे। सून द चिल्ड्रन क्यू फॉर देयर फेवरेट राइड्स। तो उसके बाद में टिकट ले लिया, तो क्या क्या बच्चों लोग लाइन में खड़ा हो गया। क्यू का मतलब होता है लाइन। तो लाइन में खड़ा हो गया ताकि सब लोग अपना अपना फेवरेट राइड करने के लिए अंदर जा सके। इरा एंड आवा लाइक टू स्लाइड डाउन द बिग स्प्लैश। तो इरा और आवा को क्या पसंद है, स्लाइड करना। जैसे आप लोग भी पार्क में होता है, ऊपर चढ़ता है फिर नीचे स्लाइड डाउन करता है, तो उसी प्रकार क्या होता है प्ले जोन में भी, ये स्लाइड करने का भी उसमें फैसिलिटी रहता है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग ऊपर चढ़ेगा और फिर स्लाइड डाउन करके पानी में घुस जाता है, तो उसको बोलता है बिग स्प्लैश। तो इरा और आवा को स्लाइड करके पानी में मतलब स्लाइड डाउन करके पानी में घुस जाने वाला, पानी में गिर जाने वाला जो स्लाइड है उसको, उसमें खेलना इरा और आवा को बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग यहाँ देखो वर्ड का मीनिंग क्या है। प्ले जोन का मतलब होता है अ प्लेस आउटसाइड द मॉल विथ राइड्स एंड गेम्स। मॉल का मतलब होता है बहुत शॉपिंग मॉल, जहाँ में बहुत अलग अलग दुकान होते हैं, बहुत बड़ा एरिया में जो दुकान होता है उसको बोलते हैं मॉल। क्यू मैंने पहले बताया, अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर समथिंग। जब लोग लाइन में खड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं क्यू। तो देखो अभी ये आप लोग यहाँ देख सकता है, ये है प्ले जोन। देखो सब कजिन्स लोग यहाँ में लाइन में खड़ा है प्ले जोन में अंदर जाने के लिए, ये प्ले जोन का पिक्चर है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। कबीर एंड कार्ल वेट टू बोर्ड बम्पर कार्स। कबीर और कार्ल को
बम्पर कार राइडिंग करना अच्छा लगता है। तो मैंने बताया, पहले दिखाया था बम्पर कार आप लोगों को, ये पिक्चर में इसको बोलते हैं बम्पर कार। तो कबीर और कार्ल को क्या अच्छा लगता है? बम्पर कार राइड करना। तो कबीर और कार दोनों रुक रहा है, अपना टर्न आएगा तो बम्पर कार में बैठ कर राइडिंग करेगा। अ बॉय एंड हिज फादर स्टैंड बिहाइंड देम। तो देखता है तो जितने कजिन्स लोग हैं उन लोग तो लाइन में खड़ा है, तो सबसे पीछे में क्या है, एक लड़का जो उन लोगों पीछे में भी लाइन में खड़ा है। कबीर सीज दैट द बॉय लिम्प्स एंड कैरीज स्क्रैचेस। तो क्या होता है, कबीर जो होता है, कबीर देखता है कि पीछे में एक लड़का खड़ा है लाइन में जो लंगड़ा रहा है, जिसका पैर ठीक नहीं है। लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। तो जो बच्चा है उसका पैर ख़राब है और उसका पास में क्या है, स्क्रैचेस है। स्क्रैचेस मतलब जो जिसका पाँव खड़ा हुआ खड़ा होता है, तो उसको दो डंडा दिया जाता है। तो दो डंडा पकड़ के जब हम लोग, जब पैर ख़राब होता है तो दो डंडा लेके चलता है, उसको बोलते हैं स्क्रैचेस। आप लोगों को स्क्रैचेस का थोड़ा यहाँ पे एक पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो ये है स्क्रैचेस, जिसको हम लोग अपना आमपित के अंदर, आमपित में हम लोग डालकर उसके सहारा चलता है, क्योंकि आपका पाँव ठीक नहीं होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, ही गिव्स हिज प्लेस टू द बॉय। तो जब कबीर ने देखा कि मेरा पीछे में एक लड़का है जो लंगड़ा रहा है, जो चलने नहीं सक रहा है, तो क्या करता है कबीर, जो अपना जगह को उसको दे देता है, उसको आगे कर देता है, क्योंकि वो बच्चा जो है उसको खड़ा रहने में तकलीफ़ हो रहा है। इसलिए क्या करता है कबीर, मैंने पहले बताया कबीर जो बहुत दयालु है, कबीर जो बहुत काइंड है, इसलिए वो बच्चा को देखने के बाद में उसको, उसका मन में दया आ गया, इसलिए क्या क्या वो बोला कि तुम आगे चला जाओ, मैं पीछे रह लूँगा, बोल के उसको अपना जगह दे देता है। यू गो फर्स्ट वी कैन वेट, कबीर से तो बोलते तुम आगे चला जाओ, हम लोग पीछे, हम लोग वेटिंग कर सकते हैं, तुम हम लोग से आगे चला जाओ, क्योंकि तुमको खड़े रहने में तकलीफ़ होता है, इसलिए तुम आगे चला जाओ बोलते हैं। द बॉय स्माइल्स थैंक यू। तो जो लड़का होता है वो तो मुस्कुरा देता है और कबीर को थैंक यू बोलता है। हिज फादर सेज यू आर वेरी काइंड। तो उस जो 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 लंग जो बच्चा लंगड़ा रहा था, जिसका पाँव ठीक नहीं था, उसका पिताजी बोलता है कि कबीर तुम बहुत दयालु हो, यू आर वेरी काइंड। तो अभी फिर यहाँ मैं देखो वर्ड्स का मीनिंग देखो। लिम्प्स का मतलब वॉकिंग विथ डिफ़िकल्टी बिकेस ऑफ हर्ट लेग। तो पाँव में चोट लगा है, और जब हमारा पाँव में चोट लगता है तो हमको चलने में तकलीफ होता है, उस जब हम उस ढंग से चलते हैं उसे बोलते हैं लिम्प। स्क्रैचेस का मतलब होता है लॉन्ग स्टिक्स दैट आर पुट अंडर द आर्म्स टू हेल्प इन वॉकिंग। तो ये है स्क्रैचेस। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, कार्ल टेल्स द कजिन्स अबाउट कबीर्स काइंडनेस। तो कार्ल जो होता है वो बाकी कजिन्स को बताता है कि देखो कार्ल ने, कबीर ने कितना अच्छा काम किया, कबीर ने बहुत अच्छा काम किया, वो अपना काइंडनेस दिखाया, एक लड़का जो खड़ा रहने नहीं सक रहा था, जिसका पाँव में चोट लगा था, उसको अपना जगह दे दिया, आगे कर दिया। तो ऐसा बोल के कार्ल सभी कजिन्स को बताता है। ऑल द कजिन्स थंप कबीर्स बैक। तो बाकी कजिन्स लोग आके कबीर का पीठ को थप थपाता है। जब हम लोग अच्छा काम करता है तो हम लोगों को पीठ, हम लोगों का पीठ में जब हम लोगों को धीरे धीरे हाथ से मार के बोलता है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ऐसा करके बाकी कजिन्स लोग उसका पीछे में कबीर को थम्पिंग करता है, उसको शाबाशी देता है। देखो थम्प का मतलब है टू जेंटली पेट समवंस बैक। किसी का पीछे में हम लोग जब तुमने बहुत अच्छा काम किया बोल के हाथ से हम लोग धीरे धीरे जब उसको उसका पीछे में मारते हैं तो उसको बोलता है थम्प। वी आर प्राउड ऑफ यू कबीर। तो सभी कजिन्स लोग बोलते हैं हमें तुम पर गर्व है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कबीर बीम्स, तो कबीर भी क्या हो जाता है, कबीर भी खुश हो जाता है। बीम्स मतलब यहाँ में चेहरा में रौनक आ जाना, खुश हो जाना। तो कबीर भी बहुत खुश हो गया जब उसका कजिन्स लोग उसको जब तारीफ़ किया तो वो भी बहुत खुश हो गया। तो ये था काइंड कबीर के बारे में। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहले कंप्रिहेंशन में एक्सरसाइज क्या बोला है, ए राइट 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस फॉर द एक्शंस इन द
ऑर्डर दे दे हैपन्ड इन द स्टोरी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो एक को पहले कर दिया या नंबर वन डाला। हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोग जो काइन कबीर का जो कहानी पढ़ा है उस कहानी के मुताबिक ये जो सेंटेंस लो, कौन सबसे पहले आया, कौन बाद में आया, कौन उसके बाद में आया, कौन सबसे लास्ट आया, हम लोगों को नंबरिंग डालना है, नंबर डालना है। तो उसको मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पहले से कर दिया। तो सबसे पहले वाला है नंबर वन, ये है गोपाल ड्रॉप्स देम एट द प्ले जोन, ये है नंबर वन। तो नंबर टू क्या है, द चिल्ड्रन क्यू फॉर द राइस, चिल्ड्रन लोग लाइन में खड़ा रहता है। नंबर थ्री क्या होता है, इरा एंड आवा स्लाइड डाउन द बिग स्प्लैश, ये है नंबर थ्री। और नंबर फोर क्या होता है, कबीर एंड कार्ल वेट फॉर द बम्पर कार्स। और नंबर फाइव क्या होता है, कबीर गिव्स हिज प्लेस टू द बॉय विद द क्रचेस। और लास्ट वाला होता है, कार्ल टेल्स एवरी वन अबाउट कबीर काइंडनेस। तो इस प्रकार हम लोगों को सेंटेंसेस को कहानी के अनुसार नंबर डालना है। देन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो हम लोगों को यहाँ पे खाली जगह दिया गया है, उसको हम लोग अभी का जो कहानी पढ़ा है उसका मुताबिक सही करेक्ट वर्ड को यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। देखो नंबर वन है द कजिन्स गो टू द प्ले जोन, तो यहाँ में जो खाली था उसमें क्या आया, कजिन्स। नंबर टू, कार्ल हैज़ द मनी फॉर, क्या के लिए, जो कार्ल का पास जो पैसा है वो किसके लिए था, टिकट्स के लिए, टिकट्स खरीदने के लिए। कार्ल हैज़ द मनी फॉर टिकट्स। देन इन द क्यू, लाइन में, बिहाइंड कबीर स्टैंड्स अ बॉय विद अ लिंप, एक लड़का खड़ा होता है जो लंगड़ा रहा है। द बॉय सेज, क्या बोलता है कबीर को, थैंक यू टू कबीर। देन कबीर इज हैप्पी दैट हिज कजिन्स आर प्राउड ऑफ हिम, तो कबीर को अच्छा लगता है कि उसका कजिन्स उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है। अभी नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज ही थिंक एंड थिंक राइट द राइट आंसर। तो यहाँ में तीन आंसर दिया गया है, उसमें से हम लोगों को सही वाला को थिक मार्क करना है। इस प्रकार, वाई वेर ऑल द कजिन्स प्राउड ऑफ कबीर, सब कजिन्स लोग कबीर के लिए क्यों प्राउड फील कर रहा था। तो उसका तीन आंसर दिया, हम लोगों को सही को टिक मार्क करना। देखो पहले वाला, बिकॉज ही वॉन गेम एट द प्ले जोन, तो यहाँ बोला गया कि उसने प्ले जोन में एक गेम जीता था, तो ऐसा तो नहीं कहा, ये तो गलत है। देन नेक्स्ट है, बिकॉज ही गेव अप हिज प्लेस फॉर अ बॉय हु कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, क्योंकि उसने एक लड़का जो खड़ा नहीं रह सकता था, जो अच्छा से नहीं चल सकता था, जिसका पाँव में चोट लगा हुआ था, उसको अपना जगह दे दिया था, इसलिए। तो ये है सही आंसर। और बिकॉज ही स्टूड इन ए क्यू, तो ये भी गलत है, इसमें से सही वाला ये है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, वोकेबलरी में हम लोगों को क्या करने बोला गया है, मैच द पीपल विद द थिंग्स दे यूज़ फॉर वर्क। तो इस तरह में आदमी लोगों का, अलग अलग प्रोफेशन काम करने वाला लोगों का नाम दिया गया है, और इस तरह में उन लोगों का जो इक्विपमेंट्स है, जिस चीज़ से वो लोग काम करते हैं उसको दिया गया है। तो हम लोगों को आदमी का साथ उसका काम के लिए यूज़ करने वाला इक्विपमेंट का साथ मैच करना है। अभी देखो सबसे पहले क्या है, डॉक्टर क्या यूज़ करता है, ये वाला जो, इसको बोलता है स्टेथोस्कोप, क्या बोलता है, स्टेथोस्कोप, यहाँ हम लिख दें। देन नंबर टू, कारपेंटर क्या यूज़ करता है, ये वाला जो आर है, जिसको हम लोग सो बोलते हैं। देन क्लीनर जो होता है, झाड़ू बांधने वाला या फ्लोर सफ़ा करने वाला, और वो क्या यूज़ करता है, ये, इसको क्या बोलता है, मॉप। देन पोस्टमैन क्या यूज़ करता है, पोस्ट बैग, उसका ये पोस्टमैन का सामान जो होता है, क्योंकि ये बैग के अंदर में वो लेटर लेके जाता है और घर घर में लेटर बांटता है, तो साथ में बैग भी होता है और टोपी भी होता है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फनिक्स, फनिक्स मतलब हम लोगों को यहाँ में प्रोनाउंसिएशन सीखना है। लिसन एंड से दीज वर्ड्स अलाउड, लिसन केयरफुली टू द यू साउंड, तो हम लोगों को यहाँ में यू साउंड का प्रोनाउंसिएशन सीखना है। तो कैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, देखो मैं पढ़ूँगा इसको, बाद में तुम लोग भी प्रैक्टिस करना अपने अपने घर में। सबसे पहले है फन, रन, सन, पन, हग, रग, मग, टग, हट, बट, नट, शट, हम्प, लंप,
pump, ramp. Once more, let us read it. Fun, run, sun, pun. Hug, rug, mug, tug. Hut, butt, nut, shut. Hump, lump, pump, ramp. Now next section is spelling. यहाँ में क्या बोला गया है? Make six words using the letters of the long word below. You may use a letter for more than one word. देखो यहाँ में लिखा गया है hippopotamus. ये एक लंबा वर्ड है. तो इस hippopotamus का अंदर में से हम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड बनाना है. इसका अंदर से बनाना है, बाहर से नहीं लेना है. hippopotamus जो स्पेलिंग है यहीं से लेना है. तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या लिया? हिप, HIP हिप. देखो ये हिप यहाँ पे है. तो पोट, तो हम लोग बना सकते POT पोट. देखो यहाँ से हमने. फिर हॉट, देखो HOT हॉट, इसका अंदर से लिया है. देन सिप, SIP सिप. देन मैट, MAT मैट. देन पुट, PUT पुट. तो इस प्रकार हम लोगों को वर्ड बनाना है. ये हम लोग सिक्स वर्ड्स सिर्फ बनाए हैं, और भी बहुत बना सकते हैं. देन नेक्स्ट सेक्शन इज ग्रामर. तो ग्रामर में आप लोगों को मैं पहले एक वीडियो बनाया हूँ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का ऊपर में. रीड दिस सेंटेंसेस. कार्ल वांट्स टू प्ले अ फनी गेम. देखो फनी को कला में लिखा है ज़्यादा. ही वियर्स अ ब्लू कैप. तो ब्लू को देखो यहाँ में बोल्ड में लिखा है. द वर्ड फनी डिस्क्राइब्स द नेमिंग वर्ड गेम. तो ये क्या करता है, ये जो गेम या नाउन गेम को ये डिस्क्राइब कर रहा है. उसी प्रकार ये जो ब्लू है वो जो नाउन कैप को डिस्क्राइब कर रहा है. वर्ड्स दे डिस्क्राइब नेमिंग वर्ड्स सच एज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है, तो इसका आप लोगों को मैंने अलग से एक वीडियो में आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ. तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, तब आप लोगों को मालूम होगा कि नेमिंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है. तो अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. ए, इन द सेंटेंसेस बिलो द नेमिंग वर्ड्स आर इन बोल्ड. सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट डिस्क्राइब देम. तो हम लोगों को नीचे में सिक्स सेंटेंस दिया गया है. तो इसमें क्या है, नेमिंग वर्ड को बोल्ड लेटर में दिया गया है. देखो ये जो कार है, माउस है, एलिफेंट है, मुंबई है, रोज है, हाउस है. तो इन लोगों को ज़्यादा कला बनाया है, मतलब उन लोगों को बोल्ड बनाया है लेटर को. तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो बोल्ड लेटर्स में दिया गया है ये सब जो है नेमिंग वर्ड्स है. तो इन नेमिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करने वाला डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम लोगों को सर्कल करना है. तो जैसे देखो नंबर वन क्या है, इट वॉज अ स्मॉल कार. तो कार तो हो गया है नेमिंग वर्ड. तो ये नेमिंग वर्ड को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, स्मॉल. कार कैसा है, स्मॉल. तो ये स्मॉल हो गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसलिए हमने इसको क्या किया है, सर्कल किया है. देन नंबर टू, देयर गोस अ स्मॉल वाइट माउस. तो अभी ये जो माउस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, दो यहाँ में दो है, एक तो वाइट है और एक स्मॉल है, छोटा भी है और सफ़ेद भी है. देन नंबर थ्री, ही हैज़ अ फैट एलिफेंट. तो ये जिसमें जो है नेमिंग वर्ड है एलिफेंट. तो एलिफेंट को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, फैट. तो हाथी कैसा है, फैट. तो फैट है डिस्क्राइबिंग वर्ड. देन नंबर, मुंबई इज बिग. तो मुंबई यहाँ में नेमिंग वर्ड है, और मुंबई को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, बिग. मुंबई कैसा है, बिग. तो बिग हो गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड. देन नेक्स्ट इज, इरा हैड अ रेड रोज. तो रोज हो गया है नेमिंग वर्ड. तो ये रोज को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, रेड. मतलब रोज कैसा है, रेड. तो ये जो रेड है डिस्क्राइबिंग वर्ड है. नंबर सिक्स, दे लिव्ड इन अ लार्ज येलो हाउस. तो इसमें है नेमिंग वर्ड है हाउस. तो ये हाउस कैसा है, येलो है और लार्ज है. तो इसलिए ये लार्ज मतलब बड़ा. तो ये जो है लार्ज और येलो जो है क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को. तो हाउस कैसा है, लार्ज एंड येलो. देन नेक्स्ट, बी, लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, हम लोगों को सही डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है. अभी जैसे कि देखो यहाँ में ये क्या है, लंबा रस्सी है. तो लॉन्ग रोप. ये रस्सी कैसा है,
लंबा है, इसलिए क्या लिखा है, लॉन्ग रोप। लेकिन अब ये छोटा वाला है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट रोप। ये लंबा था इसलिए इसके लिए लॉन्ग आया है, तो अब ये छोटा हो गया तो क्या आना है, शॉर्ट। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल बॉक्स। देखो ये क्या है, स्मॉल बॉक्स है, और ये कैसा है, बिग बॉक्स, कैसा है, बिग। देन नेक्स्ट शॉर्ट बॉय, देखो ये लड़का जो कैसा है, नाटा है, लेकिन ये लड़का कैसा है, शॉर्ट का उल्टा क्या हो गया, टॉल बॉय। तो हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड इस प्रकार हम लोगों को सही डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ करके जगह को भरना है, तो उसको हम लोगों ने कर लिया इस प्रकार। अभी नेक्स्ट में क्या है, ये इसमें कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट में क्या करना है, अभी देखो आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, राइटिंग सेक्शन के अंदर में एक पिक्चर दिया गया है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द पार्क। ये एक पार्क का पिक्चर है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो इस पार्क का पिक्चर को देख के यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया गया है, इन वर्ड्स को यूज़ करके हम लोगों को यहाँ पर खाली जगह को भरना है। अभी देखो सबसे पहले सेंटेंस लिखा गया है, द पार्क हैज़ मैनी चिल्ड्रन। देखो तो यहाँ में बहुत सारा पार्क में बच्चा है। तो नेक्स्ट में क्या करना, नेक्स्ट क्या है कि देर आर टू चिल्ड्रन ऑन द सी शॉ। देखो ऑन द, इसको अभी हम लोग यूज़ कर लिया। देखो ये जो सी शॉ है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ सी शॉ में दो बच्चा है, दो बच्चा है, तो इसलिए हमने क्या किया है, क्या यहाँ में लिखा है, देर आर टू चिल्ड्रन ऑन द सी शॉ। देन नंबर थ्री, फोर ऑफ देम आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड। देखो चार लोग हैं जो स्लाइड में खेल रहा है, देखो ये एक दो तीन चार, ये जो तीन बच्चा है वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। देखो स्लाइड में ये लोग खेल रहे हैं। देन नेक्स्ट नंबर फोर, टू आर क्लाइंबिंग अप द स्लाइड एंड टू आर स्लाइडिंग डाउन। तो फिर से वो स्लाइड में क्या है कि दो जो ऊपर स्लाइड में ऊपर चढ़ रहा है और दो जो क्या हो रहा है, स्लाइड में नीचे जा रहा है। देन क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, द मेरी गो राउंड गोस। मेरी गो जो राउंड जो है वो क्या होता है, देखो ये जो ये लोग जो बच्चे लोग बैठ रहे हैं, ये क्या है, मेरी गो राउंड है। तो ये मेरी गो राउंड में क्या होता है, द मेरी गो राउंड गोस राउंड एंड राउंड। तो मेरी गो राउंड क्या होता है, वो गोल गोल घूमता है, उसके लिए बोला है राउंड एंड राउंड। तो यहाँ में इसे लिख के लिखा है। देन नंबर सिक्स, द चिल्ड्रन सी द चिल्ड्रन ऑन द स्विंग्स। तो अभी देखो दो बच्चा क्या है, दो बच्चा झूला झूल रहा है। देन लास्ट में क्या होता है, आई लाइक टू स्विंग टू। तो ये बोलता है हमको हमको भी स्लाइडिंग करना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्विंग टू। इसमें ये लाइक नहीं हो, क्या होना चाहिए इसमें, लाइक नहीं हो के क्या होना चाहिए इसमें, आई लव, क्योंकि यहाँ में लव दिया गया है तो यहाँ में लिखना पड़ेगा हम लोगों को, आई लव टू स्विंग टू, हमको भी झूला झूलना अच्छा लगता है। फिर अभी लास्ट में यहाँ पर एक छोटा सा राइम दिया गया है, आप लोगों को याद करना है ये राइम को, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पोएम लिखने के लिए आएगा, राइम लिखने के लिए आएगा। तो देखो यहाँ पर एक बच्ची है जो सागर के किनारे में बालू बालू खोद के खेल रही है, ये जो एक स्पेड लिया हुआ है, स्पेड लेके बालू में क्या बना रहा है, होल बना रहा है। तो उसका बारे में ये एक छोटा सा एक राइम है, पोएम है, देखते हैं। वेन आई वॉज डाउन बिसाइड द सी, वेन आई वॉज डाउन बिसाइड द सी। तो लड़की बोल रही है, ये छोटी लड़की रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन बोल रही है कि जब मैं सागर का किनारे में जब सागर के किनारे जब मैं गई थी, तब क्या हुआ है, आई वुडन स्पेड दे गए मी, तो मुझे एक वुडन स्पेड दिया गया, इसको बोलता है स्पेड। तो मुझे सागर के किनारे में जब जा रही थी तो मुझे ये स्पेड दिया गया, इसको लेके जाने के लिए कहा गया। तो फिर क्या होता है, टू दिग द सैंडी शोर। तो मुझे बोला कि वहाँ में जाकर सागर का किनारा में जो बालू है उसको खोज
खोदो, उसको उसमें होल बनाओ, छेद बनाओ, बोला है। माई होल्स वेर एम्प्टी लाइक ए कप। तो जब जब मैंने होल बनाया तो क्या हो गया, वो होल जो एक कप का जैसे हो गया, खाली हो गया। उसके बाद में क्या हुआ है, इन एवरी होल द सी केम अप। तो क्या हुआ है, जैसे मैंने बालू को हटा के वहाँ में होल बनाया, छेद बनाया, तो क्या हो गया, वहाँ में पानी भर गया। और सागर का पानी, मतलब जब हम लोग बालू में जब हम लोग गड्ढा बनाता है तो क्या नीचे से पानी आ जाता है, तो पानी नीचे से पानी आने लग जाता है। टिल इट कुड कम नो मोर। तो तब तक पानी नीचे से आता गया जब तक जो होल है, जब तक वो जो गड्ढा है भर नहीं गया। सो ये था तुम आप लोगों का लेसन, काइंड कबीर। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर लेसन नंबर 6, काइंड कबीर।